दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मनी ट्रांसफ़र विदाउट केवाईसी, बिना केवाईसी के आप कैसे आप मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो टेक इकरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर इन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए अपना जो भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एम पिन है, आप एम पिन डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लॉगिन जैसे आप करेंगे, आपको यहाँ पर तो आप कैसे अपना रजिस्टर करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 1 रुपया 40 पैसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको विदाउट यूपीआई जो भी है आपको यहाँ पर देख सकते हैं आईपीपीबी में भेजना चाहते हैं या तो अदर बैंक में। दोस्तों आपको यहां पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसा किसी भी बैंक में भेज सकते हैं और अपना जो भी है अकाउंट के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अकाउंट है यहां पर फुल केवाईसी नहीं है, तो हम यहां पर अपना अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेंड टू न्यू बेनिफिशरी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके आईपीपीबी का जो आपके अकाउंट है तो आईपीपीबी पे क्लिक कीजिएगा और अदर बैंक का है तो आपको अदर बैंक पर आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अब बेनिफिशियरी का नाम, जिसके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम और अकाउंट नंबर, रिकन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप यहां पर डाल के आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो आप यहां पर सर्च आईएफएससी कोड पर क्लिक करके अपना सर्च आईएफएससी कोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के आपको यहां पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहां पर आपको अमाउंट में आपका अमाउंट ही डालना होगा, जितना अमाउंट आप पैसा आप भेजना चाहते हैं। हमने 1 रुपया 40 पैसे अकाउंट में है और यहां पर 1 रुपया 40 पैसा यहां पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको रीमार्क में जो भी आपने पेमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेपर पे लिख देते हैं, रिमार्क में अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आईएमपीएस एनईएफटी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आईएमपीएस के थ्रू भेजना चाहते हैं या तो एनईएफटी, तो आपको एनईएफटी पर आप क्लिक कर सकते हैं। एनईएफटी पर आप भेजना चाहते हैं जैसे आईएमपीएस के थ्रू, तो आप दोनों में से किसी को एक सेलेक्ट कीजिएगा तो हमें एनईएफटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अमाउंट और आप किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे आपका जो भी है यहाँ पर थोड़ा सा आपको तो दोस्तों आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रजिस्टर है उसी नंबर पर आपको ओटीपी आया है। ओटीपी को आपको यहां पर इंटर करके आपको सबमिट पर आपको तो ओटीपी इंटर करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहां पर आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप बेनिफिशरी को ऐड करना चाहते हैं, पहले आपको रखना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। इस बेनिफिशरी को आप कभी भी आप पैसा भेजना चाहते हैं और तो आपको यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं भेजना चाहते यहाँ पर तो नो पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हमने यहाँ पर बेनिफिशियरी को यस कर देते हैं, जैसे हम इस पर एक लेन देन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी को यहाँ पर यस कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं टक चुका है, आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपका 1 रुपया 40 पैसा आपने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आईपीपीबी अकाउंट से बिना केवाईसी के किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो टेक इकरार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय, थैंक यू।